टीचर दीदी, अच्छा हुआ आप थोड़ा लौकर आ गए। क्यों, क्या हुआ? अरे बाबा, अभी क्या बताने का आपको, वो क्या है ना कि इमली बाई, जो भी बात होगी ना बाद में बताना, अभी मुझे बच्चों को पढ़ाने जाना है। अरे जिनको पढ़ाने को जाती है उसी के बारे में बोल रही है मैं। वो उधर कमरे में कोई नहीं है दीदी। क्यों, बच्चे कहीं बाहर गए? नहीं, वो बड़किया माने तीनों बच्चों को रूम में बंद कर दिला है। बोलती है सचिन ने चोरी की। टीचर दीदी, अभी तुम इस बच्चों को बचा सकती है। वो पढ़ के मैं तो बहाना ढूंढती रहती हूँ उनको मारने का। सच्ची, कहाँ है बच्चे? वो ऊपर बढ़ के अम्मा के कमरे में है। नमस्ते। क्या बात है? क्यों इमली? कहीं नहीं बढ़ के अम्मा। जाओ, आज तुम्हारी छुट्टी है, आज बच्चे नहीं पढ़ेंगे। क्यों? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैंने कह दिया कि नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, बस। लेकिन प्लीज कारण तो बता दीजिए। उन्होंने चोरी की है और उन्हें मैंने अपने कमरे में बंद कर दिया है। सुन लिया कारण? हो गई तसल्ली? अब जाओ यहाँ से। मैं उन्हें समझा दूंगी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, जिन पर मेरी मार का असर नहीं हो रहा उन पर तुम्हारे समझाने का असर होगा। वाह, ये बात तो बहुत अच्छी है। आप मुझे मौका तो दीजिए उन्हें समझाने का, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अगर किया तो तुम्हारी सारी पगार कट जाएगी। बोलो मंजूर? अगर नहीं मंजूर तो रहने दो बच्चों को रूम के अंदर बंद। और मैं क्या बोलूं? क्यों बढ़ गया माँ, बराबर बोल रही है ना मैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। फिर चांगले, अगर तुम्हारे समझाने का असर नहीं हुआ, उन्होंने दोबारा चोरी की या फिर से कोई शरारत की, तो तुम्हारी सारी पगार कट जाएगी। मंजूर है? जी ठीक है, मुझे मंजूर है। अभी आप प्लीज उन्हें कमरे से निकाल दीजिए। अब इस शर्त को भूलना मत, समझ गई? जाओ अंदर, मेरे कमरे में है वो। जी। बरोबर दिमाग चलाया ना मैंने? बच्चे तो फिर शरारत करेंगे और टीचर को फोकट में काम करना पड़ेगा, हो ना मेरी तरह? बहुत बड़बड़ करने लग गई है तू, चल जा काम कर अपना। हो लई काम है मला, मिस आते हैं। मुझसे बिना बात किए तुम लोग ने घर से भागने की सोच कैसे ली? और सचिन, तुम्हें दादी माँ के पर्स से पैसे चुराने की क्या जरूरत थी? भूख लगती है ना। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने आपकी दादी जी से बात कर ली, अब घबराने की कोई बात नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा और कोई मारेगा भी नहीं। बिना मार खाए मामा से मिलने भी नहीं जा सकते, और तो और हमें मामा से मिलने के लिए जाने के लिए कोई पनिश भी नहीं कर सकता। जूही, तुम टीचर से ऐसे क्यों बात कर रही हो? जब हमारा मन होगा तो मामा से मिलेंगे।
चलो अब हमारे रूम में स्टडी का वक्त हो गया। अब रुको, आज मैं आप लोगों को पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी एक बात बताती हूँ, ठीक है? बैठो। आयुष तुम भी बैठो। क्या बात बतानी है? चलो ठीक है, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमें स्टडी करनी है। हमें नहीं सुनी है कहानी, हमारा स्टडी का टाइम हो गया और हम पढ़ने जा रहे हैं। एक राजकुमारी थी, क्वीन। उसके तीन बच्चे थे, दो प्यारे प्यारे बेटे और एक प्यारी सी बेटी। वो अपनी मम्मी के साथ बहुत खुशी खुशी रहते थे। फिर एक दिन उस राजकुमारी को भगवान ने अपने पास बुला लिया। फिर राजकुमारी सोच में पड़ गई। अब उसे लगा कि अगर वो भगवान के पास चली गई तो उसे अपने बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, पर वो भगवान की बात भी नहीं टाल सकती। जाओ जो ही टीचर के लिए पानी लेकर आओ। पानी खत्म हो जाने दो, फिर जाती हूँ। जाओ। सचिन तुम भी जाओ, जीजी की मदद करो। पानी लाने में क्या मदद करूँ? बोला ना, जाओ। देखो टीचर, कहानियां बच्चों को खुश करने के लिए होती है। अगर आपकी कहानी पे जूही और सचिन रो पड़े तो ये अच्छा नहीं होगा। आयुष तुम्हें पता है तुम जानते हो मैं आगे क्या कहानी सुनाना चाहती हूँ? मेरे सवाल का जवाब दो आयुष। ये लो पानी। लो, कर दे मदद, अभी तो खुश ना। टीचर आगे की कहानी सुनाओ ना। मुझे लगता है आप लोग ठीक कहते हैं, ये स्टडी का टाइम, इसे कहानी सुनाकर वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों आयुष?